वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ कुछ न्यू गेस्ट मौजूद होंगे जो बालों की हिफाजत के हवाले से बातें करेंगे, और इसके साथ ही साथ इंटीरियर डेकोरेटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बाल खूबसूरत हो, इंसान खूबसूरत हो, इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हमारा घर भी खूबसूरत हो। और ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, या फिर ऑफिस है, हर चीज़ खूबसूरत हो, क्योंकि खूबसूरती जो है वो लोगों को अच्छी लग रही होती है, आँखों को अच्छा लग रहा होता है किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखना, किसी खूबसूरत रूम को देखना और खूबसूरत बालों को देखना एज ए जेल। तो इसके साथ ही साथ मैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करवा दूँ अपनी गेस्ट का जो हमारे साथ मौजूद हैं, इंटीरियर डेकोरेटर सोफे नौरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आपसे बातें करेंगे मजीद इंशाल्लाह। इनके साथ ही साथ गेस्ट का एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, ब्यूटी एक्सपर्ट मिसबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओके जी, मिसबा से हम बातें करेंगे कि बालों की हिफाजत हमारा टॉपिक है, तो बालों की हम हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं? और बाल, बहुत सारे बाल होते हैं जो हाइलाइटर्स करवा लिए होते हैं, रिबॉन्डिंग है, रिलैक्सिंग है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करवा लिया, बाल खराब हो चुके हैं। पहले तो कुछ करवाना ही नहीं है, बट शौक में करवा लिया और बाल खराब हो चुके, अब उसका क्योर क्या है, उसका इलाज क्या है, उससे बचने के कितने सारे तरीके हैं, ये हम पूछेंगे उनसे। और सोफे नौरानी से ये पूछना चाहूंगी मैं कि बालों के साथ साथ आपको क्या लगता है कि घर, ऑफिस, जहां आप जाते आते हैं, वो हर एक चीज खूबसूरत होना चाहिए या नहीं? सिर्फ खूबसूरत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि आप इसको इजीली अपने घर को, अपने ऑफिस को एंजॉय कर सके। जब आप रहते हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें जो है वो एक एंजॉयमेंट का फैक्टर भी आना चाहिए। बिल्कुल, तो वो आपको अपील करना चाहिए, आपका घर और आपकी ऑफिस, तो हम उसी पर काम करते हैं। ठीक है जी, अगर सपोज दैट ये वाला सेट मुझे बनवाना हो तो आप कितने पैसों में बनवा देंगे? अगर कोई भी गरीब इंसान आपसे ऑफर पूछता है कि सोफिया आप कितने में बनवा दोगी ये? देखें, ये एक थोड़ा सा ना मिसकॉन्सेप्शन है हमारे यहाँ के इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं बहुत वो बहुत एक्सपेंसिव होते जी, हैं। एक्चुअली हाँ। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। देर आर इंटीरियर डेकोरेटर्स हु एक्चुअली जस्ट डू डेकोरेशन ऑफ द हाउस, दे आर डिफरेंट। दे आर इंटीरियर डिजाइनर्स हु वर्क डिफरेंटली, जो आर्किटेक्ट्स वगैरह के साथ काम करते हैं, कि जो घर बनाते हैं उसको फर्नीचर आपका कहाँ प्लेस होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ताकि आपके घर के और ऑफिस के माहौल के हिसाब से वो आपको उसके हिसाब से गाइड कर सके। तो वी आर नॉट एक्सपेंसिव, ट्रस्ट मी ऑन दैट। हम क्लाइंट की या जो भी हमारे पास आता है, हम उसकी जरूरत के हिसाब से प्लस उसके बजट के हिसाब से जो है वो उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, बजट के हवाले से बातें करेंगे हम। इसके साथ ही साथ मैं मिसबा से पूछना चाहूंगी कि बालों की हिफाजत में हम, जैसा हमारा टॉपिक है, तो आपको क्या लगता है, आपके भी आपने बालों पे क्या करवाया सबसे पहले? मैंने उम्रे करवाया था, देन उसकी टोनिंग करवाई है। उम्रे, ये क्या चीज होती है? ये आजकल बहुत ज्यादा इन है, लाइक जो बहुत सी लड़कियां रूट्स को टच नहीं करवाना चाहती, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल प्रोसीजर होता है। और बहुत से जो लो कॉस्ट के सैलून्स होते हैं, उन लोगों को मतलब वो एहतियात नहीं करते इन चीजों में। रूट्स पे केमिकल अप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह, रूट्स पे केमिकल फर्स्टली ये है कि अप्लाई होना ही नहीं होना चाहिए, बट वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर नहीं आते, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता कि हम किस तरह बालों को ट्रीट करें। और ये ऐसा केमिकल प्रोसीजर होता है, जब एक बार खराब हो गया तो ये हैंडल नहीं होता। मतलब आपके फिर हेयर फॉलिंग स्टार्ट है, रफनेस है, फ्रिजनेस है, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। बट ओम्ब्रे पाकिस्तान में अब यूं इन ज्यादा हो गया है कि बहुत सी लड़कियां, जैसे मैंने आपको बताया कि रूट्स नहीं करवाती, तो ये जस्ट लेंथ और एंड्स पर आता है हमारे, लाइक डार्क टू लाइटर होता है, लाइटर टू डार्क होता है। ये क्लाइंट की विश होती है कि उसको किस टाइप के कलर सिलेक्शन, वो उसकी अपनी होती है। बट अब जो है ये ट्रेंड बहुत इन है, ओम्ब्रे, सोम्ब्रे, बालियाज, ये सारी चीजें बहुत इन है। इट्स वेरी न्यू फॉर मी, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। केमिकल वर्क वैसे ही बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो अब लड़कियां बहुत ज्यादा अवॉइड करती हैं। अब हमारा इनटेक भी इतना अच्छा नहीं है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो बालों की। पहले लोगों की इनटेक अच्छी थी, डाइट लेते थे, फूड सप्लीमेंट्स ले रहे होते थे, तो उनके बालों में जो है एक जो कुदरती एक शाइन होती है वो रहती थी, केराटिन जिसको हम कहते हैं, वो रहता था, बट अब वो है ही नहीं। ठीक है, जिस तरह आपने मिसबा कुदरती शाइन की बात बताई है, कुदरती शाइन अगर नहीं है, वो खत्म हो चुका है, तो उसी शाइनिंग को लाने के लिए क्या करना चाहिए? दो चीजें हैं, वही एक हर्बल तरीका है, एक केमिकल प्रोसीजर है। ठीक है, हर्बल तरीका ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को सूट भी करता है। सूट करता है। अब बहुत से लोग अंडा अप्लाई करने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन एग हर किसी के लिए नहीं है, ऑलरेडी उसकी जो है
बहुत ज्यादा ड्राई करता है वो, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, केमिकल आप ये है कि ग्लॉसिंग ले सकते हैं बालों में, जिस तरह प्रोटीन ट्रीटमेंट अब चल रहा है ये ले सकते हैं उनको, अब जिस तरह मीडिया से जो लोग रिलेटेड हैं उनकी आयरनिंग हो रहा होता है, ब्लो ड्राई हो रहा होता है, तो आप ये है कि वीकली या 15 डेज के बाद जाके अपने जो भी हेयर एक्सपर्ट है आपका, आप उनसे जाके डिस्कस करें कि मुझे अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरी ड्राइनेस हो रही है, तो आप उसके एंड का इंतजार मत करें, आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए, खराब हो जाए, बिल्कुल, और आप जो है वो फिर स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे तो वो हैंडल करना इजी होता है बनिस्बत इसके कि बिल्कुल काम बिगाड़ कर आप हेयर एक्सपर्ट के पास और वो उल्टा परेशान ही हो जाए कि इसको हैंडल कैसे करना। तो ये कहूंगी कि आप केयर करें बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है बहुत काउंट करती है इस चीज पे, आपका हेयर मेन चीज है अगर यही हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो जी। मिसमा, बहुत सारे लोगों की जो लड़कियां होती है बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और बहुत ही अच्छे घने भी होते हैं, बट कोई उन्होंने कट नहीं लिया होता है, कुछ भी नहीं करवाया होता है, तो ऐसे लोगों को करवाना चाहिए या बस ठीक है? कट लेना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंथ को शॉर्ट नहीं करवाते लेकिन आप फ्रंट लुक अपना लें, क्योंकि फ्रंट आप फुल अपनी लेंथ बड़ी ही रखें, ठीक है, लेकिन फ्रंट आप लेयर्स ले लें, बैंग्स ले लें थोड़ा सा, इससे ये होता है कि बहुत ज्यादा अगर आपकी डबल चिन है जी, तो ये कंटोर करता है, ठीक है, ये कंटोरिंग की तरह है जी, बिल्कुल, अगर बहुत ज्यादा हेल्दी है कोई और उसके चीक्स हैं बहुत ज्यादा और यहाँ पे डबल चिन है, तो आप उसको कंटोर कैसे करेंगे, आप लेयर्स के थ्रू उसको कंटोर कर सकते हैं। ओके, जबरदस्त, ठीक है, आप लेंथ छोटे ना करवाएं, आप तो निस्बा योगा एक्सपर्ट भी हो चुकी है, बिल्कुल, वो इस फील्ड में रह रहे लोग आते हैं डिस्कस करते हैं हमारे साथ, तो फिर उसी हिसाब से जो है हमें चलना पड़ता है सही। अच्छा, जरूरी नहीं कि बहुत लंबे बाल हो, छोटे बाल भी हो बट खूबसूरत हो, है ना, जरूरी नहीं लेते रहें हर 3 मंथ्स के बाद, स्प्लिट आपके अच्छे हो और पोरस बाल ना हो, बाल आप बेशक आपके शोल्डर लेंथ हो सही अच्छे लगे, आप पे सूट करें, ऐसा ना हो कि आपने रफ रखे हुए और लॉन्ग रखे हुए तो फायदा नहीं है इन बालों, बिल्कुल, आप दोनों चाय भी पिए साथ साथ और क्योंकि ठंडी हो जाएगी फिर फायदा कुछ नहीं होगा, फिर बाद में कहेंगे यार साले गर्म करवा दो ना, दोबारा गर्म करवाने से वो चाय का टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है सोफिया, आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह बजट की बातें कर रहे थे हम, जंप नहीं लगाना चाहते, क्या पता कुछ लोग ये सुनने के लिए बैठे हुए हों, तो बजट के हवाले से आप मुझे बताएं, बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उनको ये चाहिए होता है, उनका भी एक शौक होता है ना कि घर सजा हुआ हो, खूबसूरत फर्नीचर हो, खूबसूरत ड्राइंग रूम में अच्छी अच्छी चीजें, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है वो ज्यादातर वो मिडिल क्लास पे ही है, एवरीबडी नोज, तो जी मैक्सिमम यही है, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अगर बजट आप अपना जरूर देखें लेकिन उससे पहले घर स्पेशली, ऑफिस की बात तो मैं नहीं करूंगी अभी, लेकिन हमारे पास ज्यादातर जो फैमिलीज है घर को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, लेडीज हमारी घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, तो मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि प्लीज आप अपने घर को सिर्फ साफ सुथरा रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, और आप उसको चीजों को अपनी जगह पर सलीके से रखेंगे तो आपका घर की खूबसूरती कहीं नहीं जानी, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे कोई शोशा नहीं है लेकिन इतना साफ सुथरा है कि उस घर के अंदर जाते ही जो है ना आपको एक बड़ा प्लीजिंग सा इफेक्ट और बड़ा सूदिंग सी फीलिंग सी आती है आपको, तो वो उस चीज को एक तो माइंड में रखें, और हमारे यहाँ की माशाल्लाह खवातीन इतनी सुगर है कि घर बहुत साफ सुथरा, बहुत बहुत सलीके शुआर, बहुत बहुत ज्यादा, ये हमारे यहाँ तो ज्यादा है, हमारे पास वर्किंग वुमेन का कैटेगरी कम है बनस्बत, वर्किंग वुमेन भी हो ना बट उसके बावजूद वो घर पे जाकर देख रही होती है अपने घर को, अगर बच्चे हैं या भाई बहन है तो उनको डांट डपट का सिलसिला भी जारी रखते हैं वो लोग, बिल्कुल, लेकिन घर का साफ सुथरा होना सबसे पहले सजावट का फर्स्ट की पॉइंट है, क्योंकि आप अगर घर में बहुत सारी चीजें भर भी दें और वो साफ सुथरी ना हो तो वो लुक नहीं निकल रहा, लुक नहीं निकल रहा होता, सही, तो सबसे पहली तो ये चीज है। इसके अलावा अगर हम बजट के हवाले से बात करें तो कम बजट के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो आप घर को सजा सकते हैं, घर को सजाने के लिए आपको जरूरी नहीं कि यू हैव अ लॉट ऑफ कैश, ठीक है, हाँ ठीक है, लग्जरी सेकंड ऑप्शन है ना, लग्जरी चूंकि सेकंड ऑप्शन है तो उसके लिए बजट निकालना तो वो वैसे भी एक एक्सपेंस है, अलग एक्सपेंस आ जाता है, बट डेली की चीजों के साथ आप उसको किस तरह से प्ले कर सकते हैं, छोटे छोटे वाजेस रख लिए उसमें आपने, नेचुरल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जगह आप नेचुरल फ्लावर्स डाल दें, खराब हो जाएंगे दूसरे दिन, दो से तीन दिन हमारे पास चल जाते हैं, मौसम अच्छा है तो चल जाते हैं, मौसम अच्छा, लेकिन ये है कि आप अपने पास अगर कोई गार्डन है कुछ है तो घर में उगाएं,
कुछ प्लांट्स लगा दें बैकग्राउंड में बाहर गैलरी के अंदर, तो उस वही फ्लावर्स आप अपने घर के अंदर सजावट में इस्तेमाल करें, दैट वुड कॉस्ट यू लेस. सेकंड, आप अपने घर में पर्दों वगैरह को जिस तरह से सेट करते हैं, सेटिंग के साथ साथ यू कैन पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स के आपने मैं एक दफा कुछ रिसर्च में पढ़ रही थी, तो इस तरह की एक फैमिली मेरे पास थी, तो फॉर दैट दे वांटेड द कर्टन्स, लेकिन वो बहुत फॉल वाले कर्टन था, उसमें उनका बजट, क्योंकि फैब्रिक ज्यादा यूज हो रहा था तो बजट ऊपर जा रहा था. तो उन खातून के पास, शी वॉज फ्रॉम ढाका, तो उनके पास ढाका की बड़ी खूबसूरत कॉटन की साड़ियां थी विची वो और नहीं पहनती थी, तो उन्होंने जो है वो मुझे कहा कि हम इसको कुछ किसी तरह यूज कर ले, फिर मैंने उस पर रिसर्च करके थोड़ा सा निकाला, तो हम उसको ड्रेप करके फोल्ड करके ड्रेप करके हमने कर्टन्स के ऊपर डाल दिया. इट वॉज साड़ी पहना दी कर्टन्स को. हाँ, बट इट वॉज लुकिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा था. तो अगर थोड़ा सा आपका माइंड क्रिएटिव तरीके से चले तो, और आप आजकल तो हमारे पास नेट बहुत अवेलेबल है, तो आप बहुत इजीली इस तरह के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जिससे आप छोटी छोटी चीजों से, घर की अपनी ही चीजों से यूटिलाइज करके आप अपने नेट पर ही जिंदगी मबनी है हमारी आजकल. ऐसा हो रहा है. ठीक है जी, अगर आपने उनकी तो उनका तो ये काम कर दिया आपने, अब उनके घर जाते हैं गेस्ट, सारे लोग जाते हैं, देख लिया उन्होंने, आ गया आपके पास, सोफिया अब मुझे भी ऐसी कर्टन चाहिए, और उसके ऊपर जो आपने साड़ी के फॉल लगाए ना वही चाहिए, कहाँ से ला कर देंगी? हाँ, तो वो फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम मार्केट से देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज चीजें अवेलेबल है या नहीं, और आपके घर के अंदर, आपके घर और रूम के हिसाब से क्या चीज बेहतर लगेगी. ठीक है, हम वो आपको सजेस्ट करेंगे. सही सोफिया, चूंकि हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट भी मौजूद है, तो मिसबा अगर अपने सैलून का लुक थोड़ा सा चेंज करना चाहे तो किस तरह से चेंज करेंगी? देखिये, दो तीन बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, आप अपने सैलून के अंदर वॉलपेपर वगैरह का यूज कर सकते हैं, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, उसको रिप्लेस करना आसान है. और आजकल मार्केट में बहुत डिफरेंट तरह के और बहुत अच्छी प्राइसेस पे मिल रहे हैं, तो उनको यूज करना भी आसान है, तो वी कैन डू दैट. उससे काफी हद तक कलर में और लुक में डिफरेंस आ जाता है. प्लस आप अपने सैलून के अंदर है ना, कुशन्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं ताकि बंदे कम्फर्टेबल इंजॉय कर सके. तो अगर कोई मेहंदी लगा रहा है तो वो लेट जाए, लेट कर सो भी जाए. नहीं, आई मीन कम से कम इतना आराम से बैठ जाए कि वो रिलैक्स रहे, टाइम में जो है वो टाइम लगाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है. तो कुशन्स वगैरह के कलर्स, क्योंकि मेहंदी लगाने में सबसे ज्यादा थकान हो जाती है. सोते क्या कहेंगी आप, लगवाती हैं आप, पसंद है? नहीं. ओके, मेहंदी से चीज मुझे याद आई, क्योंकि हमारा टॉपिक है वो है बालों की हिफाजत. मेहंदी लोग अप्लाई करते हैं बालों पर, कैसा है अप्लाई करना? आजकल तो बिल्कुल भी वो प्योर मेहंदी नहीं है, ठीक है, केमिकल है. मैं तो मना ही करूंगी कि ना लगाया, क्योंकि ये एक तो मेटालिक डाई हो जाता है. मेटालिक डाई वो होता है जिसके ऊपर कोई और केमिकल जो है वो वर्क नहीं कर पाता. लाइक अगर आप पैशन डाई ले रहे हैं, आप रिबॉन्डिंग ले रहे हैं, आप कैरेटीन एक्सटेंस, कोई भी चीजें ले रहे हैं, वो वर्क नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, कोट कर देता है और क्यूटिकल ओपन करके अंदर डिपॉजिट नहीं होता. सही. बाकी जो हमारे केमिकल्स होते हैं जो अच्छे ब्रांड है, उनका ये प्रोसीजर होता है कि आपकी फर्स्ट लेयर को ओपन करता है क्यूटिकल, देन वो अंदर डिपॉजिट करता है. ठीक है, ठीक है. और ये वाली जो है ना कि आप बात कर रही है, ये मेटालिक डाई है, ये ऊपर ही ऊपर कोट होती जाती है, अंदर इसका कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता. तो इसके बाद अगर आपकी विश है कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए, केराटीन चाहिए, कुछ भी, तो वो वर्क नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा. आप अब तो बहुत इजीली फैशन डाई आप ले सकते हैं, अच्छे महंगे ब्रांड्स हैं जो आपके बालों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, आप उनका यूज कर सकते हैं. प्रॉपर एक अपना एक्सपर्ट रखें, ब्यूटी एक्सपर्ट जो आपके बालों को समझ भी जाए, आपके बालों को समझ जाए. बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कहीं से हाईलाइट ले ली है, आपका बाल पोरस हो गया है, फट गया है वो वहां से, तो आप अपने एक्सपर्ट को जाके सारी एक्सप्लेनेशन दें कि ये हुआ है मेरे साथ, ठीक है, तो वो आपका स्टार्टिंग टू एंड जो है वो केयर करेगा. ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको रेकमेंड करेगा, ग्लॉसिंग ले सकते हैं आपको, या हो सकता है वो आपको ये कह दे कि आप जो है प्रॉपर फुल फैशन डाई लेके इसको खत्म कर दें. सही है, जाहिर है उसको रिमूव तो हम कर नहीं सकते लेकिन हाँ. काफी सारी केयर्स हैं जो हम उनको रेकमेंड कर सकते हैं कि आप यूं नहीं, यूं कर लें. और ठीक है, हम केयर करना बता सकते हैं, होम रेमेडीज हैं काफी, बता सकते हैं. सही, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो हम इजीली उनको गाइड कर सकते हैं. ओके मिसबा, आप मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे ब्यूटी एक्सपर्ट का ये कहना है कि ऑयलिंग ज्यादा ना क्या करें, और जो पुराने जमाने की खवातीन है
पुराने जमाने की खातिन जैसे अम्मा नानी दादी ले ले वो कहते हैं कि बाल की टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, अगर ऑयलिंग, ठीक है ऑयलिंग आप कर सकते हो, उसका काम है सिर्फ एक शाइन लाना, एक नरिशमेंट करना, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि आप ये कहते हैं कि आपकी ग्रोथ बढ़ी है, छोटी बांध कर आपके बाल लंबे हो जाएंगे, वो बात ठीक है एक हद तक, ठीक है अब जाहिर है खुले रहेंगे तो अटकेंगे, टूटेंगे। अम्मियां दादियां नानियां सब सही कहती हैं, डांटते हैं वो लोग, बांध के रखें उनको सलीके से रहें थोड़ा सा, जाहिर है खुला रहेगा तो वो टूटेगा अटकेगा कॉम्बिंग में भी, जाहिर है हेयर फॉलिंग होगी। आप ऑयलिंग कर सकते हैं नहाने से हाफ आवर पहले आप ऑयलिंग करें और उसको नीम गर्म कर लें ताकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो एक्टिव हो जाए। ओहो जबरदस्त, ये बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि उठाया हमने और लगा लिया, लगा लिया, ठीक है ऐसा नहीं है। आप कोई सर्दियों में जो नारियल का तेल है वो तो वैसे ही जमता जाता है, ठीक है आपने क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव करें, देन उसको हथेली में लेके जो है, जिनके घर में माइक्रोवेव नहीं है वो क्या चूल्हे पे कर सकते हैं? हाँ हाँ चूल्हे पे कर लें, आंच भी मतलब गर्म करें, पानी गर्म करें किसी भी बॉल में डालें और उसको उसके अंदर 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए आप उसको रख दें, देन उसके बाद आपने जो है हथेली पर लेना है और उसको फुल हेयर्स पे जो है, ठीक है वो आपने टिप्स के साथ अप्लाई कर देना है। सही। अगर आपको बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, आप हॉट टॉवल लें, आपके पास ओवन नहीं है आप उसको छोड़ दें, आप पानी गर्म करें उसे निचोड़ें अच्छे से जो है बिल्कुल निचोड़ लें, फिर उसको रैप कर लें, ठीक है रैप करने के बाद आधा घंटे पहले आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। ये टॉवल से या किसी भी कपड़े से कर सकते हैं? टॉवल से, क्योंकि वो स्टीम क्रिएट करता है ना, वो भाप का एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो आपके बालों के अंदर अच्छी तरह जो है डिपॉजिट कर देता है। अगर आपको डेंड्रफ है तो वो काफी हद तक आपकी सॉल्व हो जाती है, अगर आपका ड्राइनेस है काफी हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये काफी सारी चीजें, आई थिंक अब तो लोगों को इतनी अवेयरनेस है, नेट है, सारी चीजें सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन वो जो सुस्ती है ना हमारे अंदर वो हमें करना नहीं देती पूरा। सही बात है, सुस्ती बहुत है हमारे अंदर। ठीक है जी, अभी ऑयलिंग का तरीका और हेयर सीरम हेयर मास्क का तरीका मैं आपसे पूछूंगी, ब्रेक लेते हैं, अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है। तो नाज़रीन ब्रेक पे हम जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स हम लेने वाले हैं मिसबा से, तो आपने कहीं जाने, देखते रहे इंडस गोल्ड।